नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का बयान आया सामने। बोले 150 दिन के कालखंड में नफरत और घृणा के प्रतीक लोगों को साथ लेकर मोहब्बत का कौन सा अभियान चला रहे थे राहुल गांधी। मंजिले मकसूद से पूरी तरीके से महरूम रही और ये यात्रा बहुत विडम्बनापूर्ण भी थी। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, इस यात्रा की शुरुआत कहां से हुई? केरल में, जहां पर इनके वो नेता जिन्होंने सड़क पे बीफ पार्टी की थी वो इस यात्रा के पहले सहभागी बने। उसके बाद तमिलनाडु में एंटर करती है तो वो पादरी जॉर्ज पुनिया है, जिसने एलानिया कहा कि वो जूते इसलिए पहनते हैं कि भारत की धरती को अपवित्र मानते हैं, और राहुल गांधी जी के साथ बातचीत में वो हिंदू देवी देवताओं पर तमाम टिप्पणियां कर रहे थे, वो उनके साथ बैठे दिखाई। उल्लेखनीय बात यह है कि जहां शुरुआत हुई थी केरल में, मैं याद दिलाना चाहता हूं, वहां वो फादर जोसेफ क्या नहीं गए जिनके हाथ काट दिए गए थे, मगर जॉर्ज पुनिया के यहां जाने का उनको तमिलनाडु में समय मिला। केरल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महात्मा गांधी के अनुयायी केई मेमन और पद्मश्री से सम्मानित श्री गोपीनाथ नायर के स्मारक का अनावरण करने के लिए उन लोगों ने जाकर राहुल गांधी जी से व्यक्तिगत अनुरोध किया था, परंतु उस स्मारक का अनावरण करने का उन्हें समय नहीं मिला, जिसके लिए बाद में केरल कांग्रेस ने खेद भी व्यक्त किया। मगर तमिलनाडु में आते हैं तो ऐसे नेता के साथ इनको रहने में। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें टीवी न्यूज में।